नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी डिंडोरी के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहपुरा अहमद कछवाहा के नेतृत्व में शहपुरा विधानसभा के लोकप्रिय युवा विधायक भूपेंद्र मरावी जी की अगुवाई में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने लगातार की जा रही डीजल पेट्रोल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक निवास से सभी कार्यकर्तागण रैली निकालते हुए जोरदार नारेबाजी करते डिंडोरी रोड स्थित पेट्रोल पंप पहुंचे। वहां पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन और केंद्र सरकार को चिताया। विधायक भूपेंद्र मरावी ने कहा कि इस समय केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बहुत ज्यादा टैक्स लगा रही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स है, डीजल पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा है। मैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि जल्दी कीमतों में जो वृद्धि हुई है उसे वापस लें, वरना हम विधानसभा में स्थित खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अध्यक्ष अमित कछवाहा ने कहा कि केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार किसान एवं जन विरोधी सरकार है। ये सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का साथ दे रही है। यदि शीघ्र डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि आपस नहीं ली जाती है तो आने वाले समय में समस्त कार्यकर्ता सभी जगह उग्र आंदोलन करेंगे, सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में हम सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में जो डीजल पेट्रोल में रोजाना मूल्य वृद्धि हो रही है और मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्गीय लोगों का गरीब लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि कारण महंगाई की कीमतें आसमान छू रही हैं और जनता बेहाल है, लेकिन यह सरकार का रवैया जन विरोधी है, गरीब विरोधी है और यह केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाती है। हम कांग्रेस कमेटी के लोग इसका निरंतर और हमेशा विरोध करते रहेंगे जब तक कि डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि वापस नहीं ली जाती और आम जनता को राहत नहीं मिलती। सर, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानी तो क्या आप आंदोलन करेंगे फिर से? निश्चित ही यदि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम पूरे जनता के सहयोग से एक उग्र आंदोलन करेंगे और हम सरकार को मजबूर कर देंगे, उसको झुका देंगे, उनको जनता के हित में मूल्य वृद्धि वापस लेनी ही पड़ेगी। हम ये तानाशाही उनकी ज़्यादा दिन नहीं चलने देंगे। डन, पूछिए अब। आज आप सब लोग देख रहे हैं किस तरीके से हमारा देश पूरा मध्य प्रदेश इस कोरोना काल में जूझ रहा है। आज जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो गरीब परिवार है, किस तरीके से हर दिन डीजल पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण भी सरकार लगातार पेट्रोल डीजल रसोई गैस को लेकर लगातार बढ़ा रही, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सारे राज्यों से सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल डीजल मध्य प्रदेश में ही मिल रहा है। ये भाजपा की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में किस तरीके से महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। निश्चित ही अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जी अगर पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम नहीं करेंगे, हम लोग कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे विधानसभा में जिले में हम लोग उग्र आंदोलन करने की का प्रयास करेंगे।